फाइनेंस एजुकेशन, हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कैसे PDEDF के क्रम में अंग्रेजी हमारे देश में आना शुरू करते हैं, और ये थे हमारे पुर्तगाल के लोग जो कि सबसे पहले आए। उसके बाद डच, इंग्लैंड, BEIC, डेनमार्क और फ्रांसीसी कैसे अब ये पूरे भारत पर कब्जा करते हुए चलेंगे, उसी सीरीज में आज हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं वो उनको देख लेना, उसमें आपको समझ में आएगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई क्यों हुई, किनके बीच में हुई। अगर मैं बता दूं, 1764 में आपका बक्सर का युद्ध, 1765 में इलाहाबाद की संधि, कैसे सूराजू दौला मारा गया, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस टू क्लासेस जो देख लेंगे उनको आगे की सारी क्लासेस जो है समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, वो आपका एक बेस बनाने का काम करेंगी। तो आज हम इसी सीरीज में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। वो सब मैं बता चुकी हूँ, कैसे स्वाली का युद्ध होता है जिसमें पुर्तगाल हार जाता है, BEIC जीत जाती है। सेम उसके बाद डच का युद्ध, डच को हराने के लिए बेदरा का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद अब हावी होंगे डेनमार्क वाले, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टिके ही नहीं थे जब उन्होंने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में BEIC का परचम बहुत ज़्यादा लहरा रहा है, तो वो पहले ही पीछे हो गए। उसके बाद जो फ्रांसीसी थे वो इनके साथ टक्कर लेंगे। आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे बंगाल में गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने शुरू हुए, और कैसे साउथ की पूरी बेल्ट पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया, उसमें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, शुरू करते हैं हम लोग यहीं से। अब अगर मैं बात करूँ BEIC और FEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको तो सबको हरा चुके हैं। जैसे पुर्तगाल को सिर्फ गोवा तक सिमट कर रह गए, डच यहाँ से बेदरा के युद्ध के बाद चले जाएंगे, सारे अपने वो थोड़े बहुत जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे जाएंगे, अभी ये हावी है। और डेनमार्क के लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं टिकेंगे। अब फ्रांसीसी जो है वो BEIC के साथ टक्कर लेंगे। दोनों की अपनी अपनी एक एक कंपनी है, BEIC और FEIC, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इसको ध्यान से समझना कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है, जबकि पावर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बहुत ज़्यादा थी। क्या होता है, जो ये कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी, और जो FEIC थी ये गवर्नमेंट कंपनी थी। तो जैसे ही ये जो इनका युद्ध है, ये यूरोप में भी युद्ध चल रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, उसका असर इंडिया में देखा गया, जबकि इंडिया वालों को इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इनका एक युद्ध वहाँ पर चल रहा था जिसे हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तीन कर्नाटक युद्ध हुए जिसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसे ध्यान से सुनना, वो कब कब हुए, और हर एक युद्ध का जो एंड होता है वो एक संधि से होता है, तो संधि के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने आपको इलाहाबाद की संधि पढ़ाई थी पिछली क्लास में, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना। तो क्या हुआ, BEIC कोई भी डिसीजन लेती थी तो उसे मात्र अपने कुछ लोगों से पूछना पड़ता था, और वो वही कामयाब होता है जो कि क्विक डिसीजन ले लेता है। बट जो FEIC थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो उसे अपनी सरकार से पूछ कर ही डिसीजन लेना होता था। उस टाइम पर जो इनका हेड था वो डुप्ले हेड था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन उसके हारने का मेन रीज़न सिर्फ यही रहता है कि वह एक गवर्नमेंट कंपनी थी, नहीं तो वो BEIC पर पूरी तरह से हावी हो जाती। तो अब कर्नाटक के तीन युद्ध मैं आपको बताती हूँ, वो कौन कौन से तीन युद्ध कब कब हुए और कौन कौन सी संधि से वो एंड हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब ये युद्ध नाम कर्नाटक है, लेकिन ये कहाँ पर हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, और इंडिया वालों के साथ इनका कुछ खास लेना देना भी नहीं था। तो इसका नाम कर्नाटक है लेकिन ये यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, ये बाहर यूरोप में हो रहे हैं, और इंडिया वालों को इससे कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर BEIC और FEIC दोनों काम कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है उसका एक कहते हैं ना, उसका एक इफेक्ट देखने को मिला, कि यहाँ पर भी उसका एक इफेक्ट आया। तो वो कर्नाटक के युद्ध कौन कौन से थे, वो तीन युद्ध होते हैं, इन्हें ध्यान से सुनना। पहला आपका होता है 1746 से लेकर 48 तक, दूसरा होता है 1749 से लेकर 1754 तक, तीसरा होता है 1756 से लेकर 1763 तक। तो तीनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट हैं जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से हिस्ट्री में जाने जाते हैं। तो ये वाला जो युद्ध है ये 7 साल चला, और इसे ही हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। कई बार आपको कर्नाटक युद्ध ना देकर सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से पूछ लेंगे। और तीनों का ही जो एंड होता है वो एक संधि पर किया जाता है। तो पहले के जो संधि होती है वो है, इसका नाम ध्यान से सुनना, आक्स ला शपेल। नेक्स्ट है पांडुचेरी की संधि, और थर्ड है आपकी पेरिस की संधि। ये तीन संधि होती हैं जिससे ये युद्ध का एंड होता है। इसी के बीच में अगर आप टाइम देख रहे हो, मैंने आपको एक वांडीवाज का युद्ध बताया था 1760 में, जिसमें जो होता है BEIC और FEIC के बीच में, जिसमें
जो है BEIC FEIC पर हावी रहती है, और ये क्लियर हो जाता है इन सारे युद्धों के बाद कि जो है इंडिया पर राज कौन करने वाला है, BEIC, और इसके बाद की ही क्रांति शुरू होगी। बंगाल के गवर्नर बनेंगे, गवर्नर जनरल बनेंगे, और 200 साल, लगभग 200 साल जो इंडिया पर जो है अंग्रेजों का राज रहा, इसीलिए जो है इंडिया के उसमें, इंडिया के कल्चर में आज भी उन्हीं का ही राज जो है अभी भी नजर आता है। अभी भी इंडिया जो है गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जैसे इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें कि अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेजों का जो रहन सहन खान पान आज भी इंडियन कल्चर में नजर आता है, तो उसका कारण यही था। लगभग 200 साल तक, पहले 100 साल तक BEIC ने राज किया, उसके बाद आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कैसे 1857 की क्रांति होती है, राज अभी भी खत्म नहीं होगा, सिर्फ कंपनी का राज हटाकर किसका राज आ जाएगा, क्राउन का राज आ जाएगा। तो हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे कैसे बंगाल के जो मेनली जो रिच रिच प्रांत जिसे हम कहेंगे, वो बंगाल काम कर रहा था, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, ये सब एक ही था, तो वहाँ पर कैसे बंगाल लोग वहाँ पर राज करने के लिए आए, गवर्नर बने, गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, कैसे मुंबई अंग्रेजों के हाथ में आया, कैसे कलकत्ता अंग्रेजों के हाथ में आया, मद्रास अंग्रेजों के हाथ में आया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब क्या होगा, इससे BEIC राज करना शुरू करेगी, लेकिन फ्रांसीसी अभी भी यहाँ से जाएंगे नहीं। यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों को एक थोड़ा सा इलाका, पांडुचेरी का इलाका जो है BEIC दे देगी अपना व्यापार करने के लिए, और 1954 में जाकर जो है 47 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पुर्तगाल वाले और फ्रांसीसी जो है सबसे एंड में जाएंगे। 1954 में FEI जो ये है फ्रांसीसी लोग, वो हमारे जो है पांडुचेरी को खाली करेंगे और वो इंडिया का हिस्सा बनेगा। तो आगे हम पढ़ेंगे अब गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में, वो कैसे थे और उन्होंने क्या क्या अच्छे काम इंडिया के लिए किए और क्या क्या इंडिया के लिए गलत काम किए, कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब जो सबसे पहला बनता है वो बनता है रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के नाम से फेमस है, वो क्या क्या काम यहाँ पर करेगा उसके बारे में बता देती हूँ। क्लाइव जो कि, सबसे पहले हम क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आता है 1757 से लेकर 1760 तक, उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक, 2 साल के लिए फिर से ये आएगा। और ये क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो पूछ लेते हैं, प्लासी का युद्ध मैंने पिछली क्लासेस में बताया था 1757 में, तो तब उस टाइम पर कौन था गवर्नर, क्लाइव। उसके बाद 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, अब 1765 में दोबारा आता है जिसमें इलाहाबाद की संधि होती है, इसे ध्यान से सुनना। इलाहाबाद की संधि के टाइम पर भी कौन था, क्लाइव, प्लासी के युद्ध के टाइम पर भी कौन था, क्लाइव, और 1764 में बक्सर के युद्ध के समय कौन था, हेक्टर मुनरो। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अब गवर्नर और गवर्नर जनरल कैसे बनते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। जो गवर्नर होते थे वो एक पर्टिकुलर स्टेट के बना दिए जाते थे, जैसे कि किसका बना दिया, मुंबई का अलग से, कलकत्ता का अलग से, मद्रास का, उसी टाइम ये तीन ही मेन इलाके थे, उन तीनों के अलग अलग बनाते थे। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें क्या करते हैं, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तीनों प्रांतों का एक ही हेड होगा, मुंबई, कोलकाता और मद्रास का, मतलब जो मेनली डिसीजन लेगा वो हेड लेगा, और उनका जो कार्यकाल डिसाइड किया जाता है वो 5 साल के लिए ही डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं एक और बात आपको बता दूं कि द्वैध शासन, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्वैध शासन को लागू करने वाला कौन था, तो वो भी कौन था, क्लाइव। क्लाइव ने ही द्वैध शासन को लागू किया था। और वो कैसे काम करता था, द्वैध शासन मेनली होता क्या था, जैसे जो मेन तीन चीज़ें थी, लाइक वित्त, फाइनेंस, विदेश नीति, इसके अलावा अगर बता दूं सेना, ये तीन चीज़ें किसके हाथ में आ गई, BEIC, मतलब जो नॉर्मल लोकल राजा बिठाए हुए थे नवाब बनाकर, ना ही वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ना ही वो व्यापार, विदेशों से व्यापार, उनकी नीतियाँ बनाने में अपना कोई भी डिसीजन लेंगे, ना ही कोई अटैक करता है तो वो सेना से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेंगे। तो जो आलतू फालतू के काम थे वो लोकल नवाब के हेड, जो लोकल राजा था उसके हाथ में आ गए, और जो मेनली तीन बड़े डिसीजन थे वो BEIC के हेड में आ गए। तो पूछ लेते हैं द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी आपके किसको बोलते हैं, क्लाइव को। अब गवर्नर जनरल के ऊपर बात करेंगे, कैसे कैसे गवर्नर जनरल आए और उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल बनकर आता है और वो क्या क्या काम करता है उसके बारे में ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो जो हमारा, हमें इंडियंस को जो है न्यूज़पेपर की नॉलेज नहीं थी, तो पहला जो न्यूज़पेपर, अखबार छपता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में छपता है। कौन सा, 1780 में, द बंगाल गजट, गजट को ही अखबार कहते थे, और किसने छापा था, ऑगस्ट हिक्की ने। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि पहला अखबार कौन सा था, तो याद रखना द बंगाल गजट किसके टाइम में छपा, वॉरेन
हेस्टिंग्स के टाइम में। नेक्स्ट, द्वैध शासन को समाप्त किया। मैंने अभी आपको द्वैध शासन के बारे में बताया था कि द्वैध शासन क्या होता है, मतलब तीन जो मेनली चीजें थी वो किसके हाथ में आ गई थी, BEIC के हाथ में, तो उसको खत्म किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद जो शाह आलम द्वितीय था, जो कि एक शाही सेना बनी थी, मैंने आपको उसके बारे में भी पिछली क्लास में बताया था, उसको क्या किया था, उनके जो एरिया का टैक्स इकट्ठा करने का काम था वो BEIC ने ले लिया था, और उसको एक पेंशन दे दी थी कि 26 लाख जो है सालाना पेंशन देंगे, उस टाइम पर 26 लाख भी बहुत होते थे, और आपके एरिया का जो सारा टैक्स है वो BEIC इकट्ठा करेगी, तो उसको भी ख़त्म कौन कर देता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वो बाद में शुरू कर दी गई थी लेकिन इसने ख़त्म कर दी थी। कमेटी ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू इकट्ठा करने की कमेटी बनाने का काम भी कौन करता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स के सारे, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, कोर्ट, न्यायालय की समझ जो है इंडियंस को नहीं थी। राजा महाराजा अपने मूड के अकॉर्डिंग न्याय कर देते थे, जिसका जैसा जिस टाइम मूड होता था, सेम क्राइम की सजा कभी कोई राजा कैसी दे देता था, कभी कोई कैसी। तो इन्होंने बोला कि इंडियंस मूर्ख हैं, वो इन्हें न्यायालय की समझ नहीं है, वो कुछ भी करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर क्या बनाए, कोर्ट बनाए, दो तरह के, जो आज तक चल रहे हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी जिसमें क्रिमिनल्स मामले आते थे, और एक होते थे दीवानी जिसमें क्या होते थे, छोटे मोटे मामले, जैसे किसी ने किसी की गाय पर कब्जा कर लिया, प्लॉट ले लिया, ऐसे छोटे छोटे जो मामले आते थे वो किसमें आते थे, दीवानी में। इसके अलावा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना किसने करी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इन सभी कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। देन आंगल मैसूर सेकेंड युद्ध अगर पूछ ले, वो किसके टाइम में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के। और आंगल मराठा फर्स्ट युद्ध, ये आपको मध्यकालीन भारत में देखने को मिलेंगे, अभी ये उससे ही रिलेट करके हम मॉडर्न इंडिया तक जाएंगे। तो आंगल मराठा फर्स्ट युद्ध भी किसके टाइम में होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। फिर हम पढ़ते हैं मदरसा, स्कूलों में जो है मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने का काम भी किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मदरसों का निर्माण करवाया। विलियम जॉन्स जो है 1784 में एक क्या बनाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, विलियम जॉन्स ने। कब की, 1784 में, और किसके टाइम में की, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। तो ये सारे वॉरेन हेस्टिंग्स के काम थे कि उसने क्या क्या किया, कोर्ट पूछ लेते हैं, इसके अलावा द बंगाल गजट पूछ लेते हैं, द्वैध शासन किसने समाप्त किया, चलाया किसने था द्वैध शासन, वो सब मैंने आपको बताया है। सबसे पहले जो द्वैध शासन, वैसे डुप्ले ने चलाया था, फ्रांसीसी का जो FEIC का हेड था, लेकिन वो जब हार गए तो उसको दबा दिया गया, उसके बाद जो है क्लाइव का नाम लिया जाता है कि उसने चलाया, और ख़त्म किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब अगला गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगला गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो उसका टाइम पीरियड था 1774 से 85। अगर आप टाइम पीरियड याद रखोगे तो आप जितनी भी घटनाएं उस टाइम पर होती हैं उसे इजीली रिलेट कर पाओगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बारे में, जिसका टाइम पीरियड आता है 86 से 93 तक। इसने क्या किया, प्रशासनिक सेवा का जो जनक माना जाता है, IAS, IPS, जो इस तरह की पोस्ट होती हैं, इनका जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस को। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर भी बनता है कि प्रशासनिक सेवा का जनक कौन है, तो वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस। उसके अलावा पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। आज भी आप देखोगे जो हमारा कोर्ट है, न्यायालय है, और जो काम करने वाली प्रशासनिक जो हमारी एक वो बनी हुई है सरकार, वो अलग अलग दोनों काम करती हैं। तो वही चीज़ बताई, कोर्ट के ऊपर काम किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और अगर पूछ लें इनके ऊपर प्रशासनिक सेवा का जनक कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। पुलिस के ऊपर काम, पुलिस को भर्तियां करनी, उनको वेतन देना, इन सब के ऊपर काम भी किसने शुरू किया था, कॉर्नवालिस ने। कब, 86 से 93 के बीच में। इसके अलावा जमींदारी प्रथा, इसे ध्यान से सुनना, अगर आप इसे डायरेक्ट बुक में से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ना ही चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो इसे एक बार ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को एक से दो बार सुनना, उसके बाद इसे किसी भी बुक में से पढ़ना, आपको सारी चीज़ें जो है इजीली लर्न मिलेंगी। तो जमींदारी प्रथा क्या थी, स्थाई बंदोबस्त भी इसे ही कहते हैं। BEIC ने क्या किया, इंडियंस ही किसानों को, जो बड़े बड़े किसान थे, उनको जमींदार बना दिया। उनके अंदर एक वो भी आ गई कि हम जमींदार हैं, कि कलेक्ट करो अपना जो भी आपका टैक्स होता है हर किसान से, तुमने कलेक्ट करना है, और जिसमें से 10/11 BEIC लेगी, और 1/11 किसको मिलता था, जमींदार को। अब जमींदारों ने अमीर बनने के लिए जो है अपने ही इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, क्योंकि 1/11 भी बहुत होता था, और कंपनी बैठे बैठे कितना खा रही थी, 10/11, तो 1/11 भी इकट्ठा करते थे, और वो बनाए भी कौन, इंडियंस ही बना दिए जमींदार, इतना कलेक्ट करके वो जो उनको देना था। इसी में ही सूर्यास्त का नियम भी बनाया,
मतलब सूर्यास्त का नियम कि जैसे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जनवरी डेट डिसाइड कर दी कि इस दिन तक आपने इतना टैक्स कलेक्ट करके देना है। अगर वो कलेक्ट नहीं करते, शाम होते होते अगली सुबह को, 1 जनवरी इवनिंग के बाद 2 जनवरी को वो जमींदार जो है चेंज कर दिया जाता था। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, सूर्यास्त का नियम। तो पूछ लेंगे किसके टाइम में चला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में, आंगल मैसूर थर्ड युद्ध। अभी मैंने बताया था आपको आंगल मैसूर सेकेंड युद्ध वो किसके टाइम में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग्स के। आंगल मैसूर थर्ड युद्ध इसके टाइम में हुआ। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स मत कर देना, इन्हें अलग अलग याद करना बहुत ईजी है। सिर्फ एक बार वीडियो को सुन लेना, 1 से 2 बार अच्छे से सुन लेना, उसके बाद कोई भी बुक उठा के इसे पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। तो अगर पूछ लें कि अखबार किसके टाइम में चला, तो आपको याद होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग, आंगल मैसूर फर्स्ट, सेकंड युद्ध किसके टाइम में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवेलिस के, थर्ड किसके टाइम में हुआ, सॉरी सेकंड हुआ वॉरेन हेस्टिंग में, थर्ड हुआ कॉर्नवेलिस के। आईएएस आईपीएस का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। कोर्ट का जनक अगर पूछ ले तो वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट किसके टाइम में बनी, वो भी इसके टाइम में बनी। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग याद रखना। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि और कौन कौन बनकर आए। 1857 तक ये बनकर आएंगे, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल का राज खत्म हो जाएगा और राज किसके हाथ में आ जाएगा, BEIC से हट जाएगा, मतलब कंपनी का राज खत्म होगा बेसिकली, और क्राउन का शासन शुरू हो जाएगा, रानी ब्रिटेन का, महारानी ब्रिटेन का सीधा यहाँ पर डायरेक्ट शासन शुरू हो जाएगा। तो लगभग 200 साल का राज, वो हम कैसे उस कहानी को पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं और कौन कौन बनकर आए। उसके बाद हम पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बाद आता है वेलजली, लॉर्ड वेलजली। टाइम पीरियड क्या है, 1908 से 1805। अब इसके टाइम में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए। चौथा मैसूर युद्ध इसके काम में, इसके टाइम में होता है, और उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है टीपू सुल्तान किसके टाइम पीरियड में मारा गया, तो लॉर्ड वेलजली। उसके अलावा सहायक संधि इसके टाइम में होती है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक संधि क्या है उसे ध्यान से सुनना। सहायक संधि में क्या कर रहे थे कि जो सेना थी, सेना वो इंडियंस के राजाओं के अंडर रख दी कि तुम हमारी सेना को पालो, उन्हें मतलब खाना पीना, सेना का बहुत खर्चा होता था, और अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो उसकी जो है जिम्मेदारी वो BEIC ले रहा था कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो उसकी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हमारी सेना, अब रोज़ तो अटैक नहीं हो रहे थे तो सेना जो पल रही थी वो इंडियन उसमें पल रही थी। ये थी सहायक संधि। और पूछ लेते हैं सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने आकर किए, तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले आकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद और जो है सिटीज निकल कर आई। देन 1800 में, 1800 ईस्वी में अगर हम बात करें, अब सिविल सर्विसेज का जनक तो वो बन गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब उनको प्रशिक्षण देने का काम, जैसे आज भी आपको पता होगा आईएएस जो बनते हैं उनकी जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो मंसूरी में बना हुआ है, तो लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे ही उस टाइम पर जो है प्रशिक्षण संस्थान एक कॉलेज बनाना था। अब इसने वो निर्माण तो कर दिया IAS IAPS का, उनको प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेज का निर्माण कौन करता है, लॉर्ड वेलजली। कहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज, किसके टाइम में बनता है, लॉर्ड वेलजली के टाइम में। देन जॉर्ज बार्लो, नेक्स्ट है जॉर्ज बार्लो। बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसका, बहुत थोड़ा सा काम है, सुन लो। सिर्फ 1806 में इसके टाइम में एक वेल्लोर विद्रोह होता है। वेल्लोर विद्रोह क्या था उसे ध्यान से सुन लो, पूछ लेते हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में। वेल्लोर विद्रोह क्या था, जैसे जो हमारे ब्राह्मण टाइप के लोग थे उन्हें सेना में भर्ती किया गया, तो वो यहाँ पर माथे पर तिलक लगाते थे, बालियाँ पहनते थे, कुछ इस तरह से। तो वो उन्हें कहते थे कि तुम ये सब नहीं करके आओगे सेना में, तो वो उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया कि हम सेना में लड़ने मरने को तैयार है लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। तो वही था वेल्लोर विद्रोह, कब होता है, 1806 में। अब इसके बाद बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड मिंटो एंड ऑल, 1857 तक काफ़ी सारे बनकर आए। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे, आज हमने कुछ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आपको लॉर्ड मिंटो और इस तरह के और पढ़ा दूंगी, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ जाएंगे कि कैसे कंपनी का राज खत्म होकर और महारानी ब्रिटेन का राज यहाँ पर शुरू हुआ। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सारी क्लासेस जो है लाइन वाइज देखना, फर्स्ट सेकंड दिस इज अ थर्ड क्लास, ऐसे ही सीरीज में क्लासेस को देखकर चलना, तभी आप चीज़ों को इजीली रिलेट कर पाओगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।